हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं भाई 9 और हम लोग 6 बजे यहाँ से जाने वाले थे, माता के भवन के लिए निकलने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सारे लोग सो रहे थे 7 बजे तक। तो 2 बजे तो 2:30 बजे तक सोए हैं रात को। और आप लोग थोड़ा सा शायद ये सोच रहे कि यशु सूट पहन के जाएगी, मैंने भी यही सोचा था, मैं लेके भी आई हूँ, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी हो रही है और जिस हिसाब से चढ़ाई है ना, सबने मेरे को मना कर दिया कि सूट नहीं डालना। मैं लेके आई हूँ, मतलब प्रॉपर सूट मैंने नया बनवाया है, बट मैंने नहीं पहना है इसीलिए। तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ रुकने वाले हैं 2-3 दिन और, तो मैं किसी भी उसमें पहन लूंगी। काफी सारे मंदिर हमने घूमने जाना है और काफी सारे जगह है देखने जाना है। यस, तो ये है हमारा आज का लुक, देख लो। ये जा रहा है आदित्य, उधर खड़ी है शानू, इधर हूँ मैं। मेरे भी तो दिखाओ मेरी एलन सोली। ओह माय गॉड, एलन सोली की जींस यशु की मेरे को बहुत पसंद आई है। कंफर्टेबल है ना। So guys, हमने अपने भाई ये पास ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। सारे ऑनलाइन बुकिंग ना कराने का रीजन क्योंकि हमें ये पास चाहिए था, ये पास गले में डाल के हमें जाना था। फील है तो अब फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं पर्ची वाले काउंटर से और सीधे बस जा रहे हैं भाई चढ़ाई करने के लिए। तो जैसे चढ़ाई है, चलो फाइनली हम लोग भाई मेन एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। ये देख लो, यहाँ से मेन गेट शुरू होता है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो चलो सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं भाई वेट। फीमेल्स की जो चेकिंग है वो हो चुकी है, मेल्स की चेकिंग अभी चल रही है। तो हम लोग आदित्य का और हनी का वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बनवा रहे हैं हम लेमन सोडा और अभी भैया डालेंगे इसमें ये कांच वाली गोली वाले सोडा जो मुझे पसंद है। ओह माय गॉड, अच्छा इधर बनेगा। हाँ ये देख लो हालत खराब हो गई है। अभी इधर जा के 2.5 किलोमीटर आए होंगे हम लोग और 2.5 किलोमीटर में हालत खराब हो चुकी है। भैया कह रहे हैं कि हम सिर्फ अभी 2 ही किलोमीटर चल के आए हैं और हमारी हालत 99% डैमेज हो चुकी है। बोल रहे हैं 10 किलोमीटर अभी और है। तो रह गया और उससे पहले ही हमारे हालत ख़राब होते हुए यहाँ पे यशु के शूज़ अभी उतर चुके हैं, मैंने उतार दिए, सानिया ने अभी तक पहने हुए हैं, वहाँ पे आदित्य के शूज़ उतर चुके हैं और ये भी नहीं उतरे। सो गाइस, अभी हम लोग भाई यहाँ पे रुके हैं, देखो कितनी शानदार जगह है ये और मज़ा तो आ रहा है। शुरू शुरू में थोड़ा लगा था, अब तो नॉर्मल लग रहा है। अरे शूज़ उतार के बहुत सही लग रहे हैं यार, पहले उतार लेने भाई। आपके नंगे पैर आना, शूज पहन के ना सिर्फ में बहुत दिक्कत हो रही है। धूप धूप वाला रास्ता है जब तक नीचे का 2 किलोमीटर तक, उतना आप शूज पहनो, फिर बाद में आप शूज रिमूव करोगे तो इतना अच्छा लगेगा ना, जब फर्स्ट ठंडा लगेगा पैरों में, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। तो मेरे को तो क्योंकि ऑलरेडी गर्मी लगती है, लेकिन अभी इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना। फाइनली 31 साल मतलब जो एक मेरा ड्रीम रहा है यहाँ पे आने का, तो फुलफिल होने जा रहा है क्योंकि हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये भी एक ब्लेसिंग ही है कि हमको ऐसे आना था, अभी हम आज तक नहीं आए। अभी हम भाई यहाँ से स्टेयर से आए हैं और ये देख लो भाई, पूरा पता नहीं भी कट रहा है कि जम्मू है जो भी है, बहुत शानदार लग रहा है लेकिन। और अभी हमें यहाँ से जाना है भाई ऊपर। हाँ क्या कह रही है, हालत तो खराब है लेकिन मज़ा अभी उतना ही आ रहा है। और अब थोड़ा थोड़ा मौसम में ठंड है ना, हल्की हल्की सी, बट मेरा स्टमक दुख रहा है कल की जैसे, वो नहीं दुखना चाहिए, कुछ नहीं होगा। चल गाइस, ये देखो बहुत प्यारा सा एक मोमेंट। Thank you.
गाइज अभी हमने लिया भाई हमारा फर्स्ट ब्रेक और हमारे पास है यहाँ पे राजमा चावल और साथ में है कढ़ी चावल। वैसे तो पहला लिया है ना हमने, और मैं बता दूं राजमा चावल का टेस्ट आज से मैंने जब पहले आई थी तो उससे बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले बहुत टेस्टी था, अब उतना टेस्टी नहीं रहा, मतलब मेरे को उतना टेस्टी नहीं लग रहा है, बताऊं तो इससे अच्छा तो कढ़ी चावल है ना। सो गाइज फाइनली भाई पहुंच चुके हैं भवन, मतलब पहुंचे नहीं है अभी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत थक गए भाई कसम से। गाइस अब जो हालत है ना इस टाइम पे जो हालत है वो बहुत ही थके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और लोगों का तो बहुत ले मतलब बहुत सालों के बाद घर आने का हिस्से में तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में, और जिनको सर्वाइवल का मेन प्रॉब्लम हो रहा है छटते हुए, और हम लोगों ने इतना पानी पी लिया है ना बस थोड़ा सा और बाकी रह गया, बात चढ़ने की नहीं है लेकिन टेंशन ये हो रही है कि चढ़ तो गए जैसे कैसे कर गए पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन अब उतरेंगे कैसे। चलो गाइस फाइनली बहुत करीब भवन के भाई। सो गाइस हम लोग भवन के पास पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग सारा सामान रखने हैं अपना लॉकर में, तो अभी बात गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और भाई अभी मैं बता दूं टाइम कितना हुआ है 11 ही बजे अभी तक, तो गाइस 11 बज चुके हैं रात के, और हमारे साथ क्या क्या पोपट हुए वो मैं बताऊंगी आपको घर जाके या फिर रास्ते में, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन भाई दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली इतने सालों से जो चीज़ का वेट था वो फुलफिल हो गया, एंड और क्या बताने का इसको, और बाकी चीज़ें मैं आपको बातें बताऊँगी जब हम यहाँ पे बहुत हो गए क्योंकि यहाँ पे शोर है ना बहुत ज़्यादा, तो बातें बताऊँगी। सो गाइज देख लो पहले तो रात के टाइम पे भवन कुछ ऐसा नजर आता है लाइटों के साथ भाई। गाइज ये नज़ारा जहाँ मैंने आपको दिन का दिखाया था सीढ़ियों वाला, अब ये है भाई रात का नज़ारा, इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो सुबह के नहीं दोपहर के बज रहे होंगे 2, और भाई हम रात को बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे, मैं वो कहानी आपको आके बताऊंगी आराम से। पहले मैं अभी हम लोग सब जा रहे हैं नाश्ता करने और नियर बाय जा रहे हैं क्योंकि कल भी किसी ने ढंग से कुछ नहीं खाया, तो भाई चलो भाई नाश्ता करने चलते हैं, और लास्ट यू नो यस्टरडे आपको ब्लॉग देखने भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं थके हुए थे तो नहीं किया अपलोड। चलो गाइस चलते हैं, अभी दोपहर के नहीं शाम के बज रहे हैं भाई 5, और अभी हम लोग सब बैठे थे ऐसे मस्त गॉसिप कर रहे थे कल के बारे में, कल की सिचुएशन सब बता के हंसे जा रहे थे, सबको हंसी आ रही थी कि भाई कल ऐसा हुआ। एक्चुअली कल मेन चीज़ क्या हुई ना कि मेरे को ना यहाँ पे आके ना थोड़ी सी एसिडिटी की, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ी कैसे बोल दी मैंने, जिंदगी में पहली बार इतनी गंदी एसिडिटी हुई मेरे को। पहले परसों थोड़ी ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, लेकिन सुबह जाना था फिर उस चक्कर में पूरे रास्ते भाई इतनी प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे कैसे भगवान का नाम लेके हम चढ़ तो गए, पहले इनको प्रॉब्लम होने लगी स्टमक की वजह से क्योंकि इनको स्टिचेस लगे हुए हैं तो वो पेन करने लग गया, तो मेरे को लगा यार अगर ये पेन शुरू हो गया तो हो गया फिर तो जाना। शुक्र है वो माता रानी का नाम लेके हम वहां से निकल गए और जैसे कैसे ऊपर पहुंच गए। फिर भाई उसके बाद नहीं हुआ फिर पेन, हाँ नहीं चरण पादुका के बाद उसके बाद मेरे को पेन नहीं हुआ। हाँ फिर हम वहां पे पहुंचे तो हमने फिर भाई वहां पे हम 4:20 पे पहुंच गए थे, तो हमको दर्शन करने जाना था। अब भाई हमारे जो साथ है ना तो हमको लेने हम उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ पे ना हमको VIP वो मिली, VIP दर्शन के लिए हमको अलाउ हुआ कि VIP दर्शन होंगे, हम तो उसी के वेट में बैठे थे कि चलो भाई होंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे फोन वगैरह सबमिट कर दिए, अब वो ऐसे सबमिट हुए कि जिस बंदे से बात हुई उससे पहले, लेकिन मैं ये बोल चुकी थी कि मुझे VIP दर्शन नहीं करना, मुझे लाइन में लगना है। इन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं करने VIP दर्शन, ये बात थी, बट वो उसका रीजन ये था कि जो हमारे फ्रेंड ने अरेंज कराया था कि भाई हमको भैरव बाबा भी जाना था कि टाइम से हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि जिस बंदे से बात हुई थी VIP दर्शन के लिए उसका नंबर हमको याद नहीं था और फोन हम सबमिट करा चुके थे लॉकर में। अब ऑलरेडी जब 3 घंटे लॉकर की लाइन में सबमिट करा चुका बंदा, वो वापस कैसे जाए लेने, और हम भी पहुंच गए दूर भवन वाली जगह पे, फिर वहां पे पता चला भाई जाके कि VIP दर्शन नहीं हो पाएंगे, किससे बात हुई है ऐसे करके कि उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई, मतलब तो हमारे जो फ्रेंड है ना वो इतनी समझदार कि उसने नाम भी नहीं पूछा कि किस बंदे से पूछना है जाके, तो पंगा पड़ गया भाई बहुत ज्यादा। अब असल में गलती किसी की नहीं, थके हुए थे सब, तो सबका दिमाग ना काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे,
तो ये सब प्रॉब्लम पड़ी, तो हमने कहा चलो भाई अब देखते हैं क्या करना है। फिर उसके बाद हमें पता लगा भाई मंदिर अभी हो चुका है आरती के लिए बंद, अभी 8 बजे खुलेगा, तो हम 4:30-5 बजे से वहाँ पे बेहाल घूम रहे हैं। उसके बाद दुग्गो ने दिमाग खराब कर दिया, 10 जगह के राजमा चावल ट्राई कर ले पूरे रास्ते में, कहते राजमा चावल ही का टेस्ट ही नहीं आ रहा, राजमा चावल को क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते नहीं यार जम्मू में तो बहुत अच्छे मिलते थे अब नहीं मिल रहे। फिर आगे जाके इधर के खा ले उधर भी समझ नहीं आया, ऐसे कर करके भाई पागल हो गए। फिर लास्ट वाली जगह जो भवन वाली जगह है ना उधर जाके खाए ना राजमा चावल, फिर से राजमा चावल मंगा लिए, उधर के भी अच्छे नहीं, उधर तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे थे, फिर छोड़ दिए, कहते नहीं अब यहाँ का टेस्ट ही चेंज हो गया। देखा टेस्ट ही चेंज हो गया, तो भाई रखवा दिए वहां से फिर वापस। फिर जो मर्जी इन्होंने थोड़ा बहुत खाया, और हम रास्ते में भी बस पानी पिया था हमने, मतलब पानी तो थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, और साथ में ककड़ी और ये सब खा रहे थे, पाइनएप्पल वगैरह या फिर लेमन सोडा, बस ऐसे खा खा के हम ऊपर पहुंच गए। इस तरीके से खाना किसी ने प्रॉपर नहीं खाया, हम 8 लोग हैं टोटल, और किसी एक बार खाया था बस वहाँ पे, देन प्रॉपर खाना थोड़ी ना था। क्यों तो खाया राजमा चावल प्रॉपर अपन ने? नहीं यार कहा वो छोड़ ही देते, भूल गए क्या? अरे उधर अच्छा वो बीच में एक बार तो खाया है, पर वो छकने वाला नहीं खाया था ना यार, क्योंकि भीड़ लंबी थी वहाँ पे, लाइन लंबी लगी हुई थी। तो फिर ऐसे ऐसे करके भाई हमने कहा चलो देखते हैं। फिर जैसे 7:30 बजे ना, तो जो नॉर्मल लाइन लगी हुई थी, जो नॉर्मल भक्तों की लाइन लगी होती है, वो बिल्कुल बाहर लॉकर रूम के भी बाहर पूरा बाहर, ये कहती है भैरव घाटी रास्ते तक पूरा, ये कहती है इसमें नहीं जाना 200 किलोमीटर तक, इसमें नहीं जाना 200 किलोमीटर तक भीड़ लगी हुई है। अब भाई 200 मीटर बोलना था, 200 किलोमीटर। फिर उसके बाद ना हमारा दिमाग ना सारों का आठों का दिमाग खराब हो गया, तो हम घुस गए डिफेंस वाली लाइन में, डिफेंस वाला में गए, उन्होंने हमें मना कर दिया, कहते नहीं ये डिफेंस वाले। हमने कहा सर कुछ जुगाड़ कर लो, कहते नहीं पर्ची चाहिए। उन्होंने भाई हमको निकाल दिया वहां से, मतलब कि उन्होंने मना कर दिया। हम अपना मुंह लेके आठों के आठों चले गए। हमने कहा चल लाइन देखे भाई, जिधर तक जाए उधर तक लाइन ही लाइन इधर तक जा रहे हैं। उसके बाद हम होशियार, हमने कहा कि शाम तक तो नीचे उतर जाएंगे, तो मैंने 2 जैकेट रखी, एक दे दी मैंने शानू को, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और एक दे दी मैं नीन को। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बाकी मैं और ये सारे हम बिना उसके मस्त हाफ हाफ स्लीव्स पहन रखी, और मस्त मजे आ रहे, रोंगटे से खड़े यूं करके कांटों की तरह, और यूं हो रहा। तो हमने कहा रब कर लो भाई, एक दूसरे के हाथ ही रब कर लो, ठीक है। एक तो ठंड, ऊपर से मेरे पेट ऐसा हो रहा कि अभी मेरे प्राण निकलेंगे, ऊपर से लाइन का कुछ था पता नहीं, दर्शन करने आया कुछ तो पता ही नहीं दर्शन कब करेंगे। फिर वहां पे ना और भी इनके फ्रेंड, और भी फ्रेंड्स आए हुए, तो वो कहते यार देखो कोई तुम्हारा फैन वोन मिल जाए उसे कहो हमें लाइन में कुछ आना बीच में। भाई ऐसे करते करते हमारे बहुत फैन मिले। तो हम वहां पे ना, मैं वहां पे खड़ी हो गई आगे, मैंने कहा देखे कोई पहचान ले, तो फिर ना एक बंदे ने पहचान लिया हमें वहां पे, पहले वो ना बहुत देर से ना आपस में डिस्कस कर रहे, तो यहाँ से उधर से वो डिस्कस कर रहे, इधर से हम डिस्कस कर रहे, तो यहाँ पे हमारे साथ जो एक क्वीन है ना वो बोलती है ये ना शायद पहचानने की कोशिश कर रहा है आपको, इधर ही मुंह रखो इधर ही मुंह रखो, ये पहचानने की कोशिश कर रहा है आपको, जैसे ही बोले जैसे ही हाय करे सीधा पूछ लेना लाइन में लग जाए क्या। तो भाई वो बहुत देर तक हम ऐसे हंस भी रहे थे, मतलब हम बहुत जोर जोर से, पता नहीं उसको क्या हुआ, फिर उसने बोला मैंने पहचान लिया आपको, आप इससे चलाते ना इससे चलाते ना, मैंने कहा भैया लाइन में लगा लो। फिर भाई बड़ा क्लेश पड़ा, बहुत ही क्लेश पड़ा। तो हमने कहा कि यार चलो यार वापस चलते हैं, तो साथ वाली कहती है यार फौजी से बात करते हैं, फौजी से बात करने चलते हैं आगे चलते हैं। तो हम आगे आगे चल गए, थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया यार सान्या नहीं है हमारे साथ, सान्या किधर का चली गई, पीछे देख रहे हैं वेट कर रहे हैं। एक बार सुन लो, मेरे को लगा कहीं गेट के बाहर वापस सोनी बैठ गई मेरे को लगा लॉकर रूम में तो नहीं चली गई, कि भाई मैं तो वहां से पर्ची लेके फोन निकाल के दोबारा फोन करती हूँ, तुम सारे चले जाओ दर्शन करने, मैं सामान का ध्यान रखूंगी। मैंने कहा उसको गिल्ट हो गया होगा कि उसके वजह से हम यहाँ पे फंसे सारे के साथ। सुनो यार बहुत अच्छी आ रही, थोड़ी देर बाद ना आधे लोग इधर देख रहे हैं पीछे, आधे आगे तक देख रहे हैं, आ जाओ मैं बाहर आ जाऊं।
हम वहाँ पे ना बैठे हुए थे, तो मैं और हनी देखने गए थे सान्या को, और बाकी सबको हमने वहाँ खड़ा कर दिया था। तो जैसे ही वहां पे ना वो था एक फौजी खड़ा हुआ था, तो हमने इसको बोला कि भाई, इसने बोला कि चलो आ जाओ तुम भी, तो जैसे हम घुसने, वो फौजी भी बोला, हम वहां पे ना खड़े हुए थे, तो फौजी बोला लाइन के अंदर हो जाओ ऐसा करके। तो हम जैसे ही घुसने लगे ना, इसके पीछे जो बंदा खड़ा हो कहता है नहीं 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 यहाँ पे नहीं लगना, यहाँ पे नहीं लगना। भाई फिर हम अपना मुंह लेके वापस आ गए, और फिर हम सातों के साथ एक साथ हो गए। फिर हमने बताया उनको कि भाई ऐसे ऐसे, भाई वो तो लाइन में लग गई, उसको अकेले दर्शन करने तो देखी जाएगी, और हम पैदल 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 चलते जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे बेचारी गिल्ट में होगी यार, बेचारी रिग्रेट में होगी, मैंने कहा कहीं बाहर तो नहीं चली गई यहाँ से, अरे हम पागल तो है, सात लोग खड़े क्यों क्यों खड़े, और ये लाइन में लगी पड़ी तो क्या हो गया, कल कैसे लाइन में लगी हुई थी। फिर उसके बाद भाई हम लोग आ गए ठीक है। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट की भैया प्लीज गुजार लो प्लीज। फिर ना वो वाली लाइन आ गई थी जो वो रेलिंग नहीं लगी हुई, पीछे तो बिना रेलिंग वाली लाइन थी क्योंकि बहुत पीछे तक, आगे वो रेलिंग वाली लाइन आ गई, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की प्लीज गुजार लो प्लीज। फिर उसमें से एक भला बंदा पीछे से उन्हीं के ग्रुप का आया लंबा सा, आ जाओ, तो ना शर्मा रहे थे, तो कहते अभी आ जाओ आना है। तो भाई फिर हमने जैसे कैसे और हम लाइन में घुस गए, तू आगे चले जा। हाँ उसको बोला कि भाई जिसको दिक्कत हो रही थी ना उसको बोला तू आगे चले जा। तो जैसे वो आगे गया ना पूरी लाइन चल पड़ी पीछे से, मैंने सबको नोटिस किया था पीछे से पूरी लाइन चल पड़ी, बड़े से गैप किया हुआ था बीच में। हाँ, फिर हम घुस गए भाई, फिर हम जैसे कैसे और कैसे घुसे, बापरे बापरे। सुनो जैसे लाइन में घुसे ना मिक्स होने के लिए सीधा ही जय माता दी सारे बोला यार, मैं वो मोमेंट नहीं भूल पा रही सही में। हम लोग ना सब मिक्स नहीं हो पा रहे थे, कोई हमको कहना था कि तुम कैसे लग गए लाइन में, तो सारे से लगाए हुए जय माता दी सारे बोलो जय माता दी भाई। बहुत फनी सीन था। फिर ऐसे ऐसे करके भाई आगे पहुंचते आगे कितना टाइम लगा आगे भी जाने में। सो गाइस मैं यही बोलती हूँ, बोल लो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, थोड़ा आज फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जो अपना लोकल मार्केट है। भैया कैब वाले बहुत परेशान है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ पे घूमने के लिए। और अभी हमारी थोड़ी तबियत ठीक है क्योंकि अभी थोड़ी थकावट खत्म हो गई और हमने मेडिसिन भी ले ली थी, तो अभी हम बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं नियर बाय ये पूरा मार्केट घूमने। और मेरी दोस्त कहती है कुछ गंदे मंदे खाने, उसका मतलब है कि जंक फूड। चलो चलिए सो गाइस अभी हम लोग इस एरिया में आए हैं, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं भाई चाउमीन, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलते हैं, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल जंक फूड मिलता है एकदम बढ़िया वाला ओरिजिनल जंक विदाउट ऑयल, ऑलिव ऑयल में बनता है स्पेशली। तो हमने अभी मोमोज खाए एक नंबर, तंदूरी मोमोज खाए दो नंबर, मतलब एक नंबर, और फिर उसके बाद हमने खाया था चाप, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई, बहुत मजे आ गए भाई खाने। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों ने भाई मंगा लिए हैं यहाँ पे पिज्जा, जैसे कि आप देख सकते हो हमने मंगाए 1 2 3 4 5 6 और ये है जिंगी पार्सल और चोकोलावा। तो आज होगी भाई हमारी पिज्जा पार्टी, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि कटरा का जो डोमिनोज है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो सिर्फ वो सुन के हमने ये भाई मंगाया यहाँ पे, तो अब खा के देखते हैं कि ये कितना टेस्टी है। चलो भाई सबसे पहले ये ओपन करो, कर भाई ओपन। कोल्ड ड्रिंक टेस्टी है, गाने लगा लो नाल। कोल्ड ड्रिंक टेस्टी है, कोल्ड ड्रिंक टेस्टी कैसे हो सकती, कोल्ड ड्रिंक का तो सेम ही टेस्ट होता है, कटरा की है, चोको डाल दी है, ये स्पेशल मंगाई है हमने कहाँ से, गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, ये तो पिज्जा हट जैसा है यार बिल्कुल। ये रहा चीजी, ओ माय गॉड, ऑनियन, ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखते हुए यहाँ पे पिज्जा गाइस,
गाइस कुछ बोलना चाहेंगे आप? गाइस अभी सिर्फ खाने में व्यस्त हैं गाइस। हाँ तो गाइस भाई पिज्जा विज्जा हमने खा लिया है और लास्ट जो हमने आपको बताया था कि हम लोग भवन तक पहुंच गए थे, सॉरी उसके बाद हम थोड़ा सा आपको पता है ना यहाँ पे हम थोड़ा व्लॉग कम कर पा रहे क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ आए तो हम उतना व्लॉग नहीं कर पा रहे। और कल तो सच में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब व्लॉग क्या होता है ये तो हमें कल पता ही नहीं था। कल मतलब ऐसे यूं उठाने की भी हिम्मत नहीं थी फोन, देखो जो सीधी बात है, ठीक है। तो ये बात हुई थी और कल भवन जाते हुए भी हमको इतने फैंस मिले कि आधे रास्ते तो हमारा ऐसा ही रहा कि बस हर 10 मिनट बाद में कोई ना कोई फैन मिल रहा है तो फिर फोटोज खिंचाना ये करना, और सब इतने एक्साइटेड थे तो आधा टाइम तो हमारा ये, और हमको जाने में ऊपर तकरीबन 6 घंटे लग गए, 6 घंटे लगे ऊपर पहुंचने में, और वापस हम आए 5 घंटे में। और ऊपर पहुंचने के बाद जो सारा कांड हुआ वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्यों भगा रही है उसे, अच्छा दरवाजा। तो ऊपर पहुंचने में भाई ये कांड हो गया था हमारे साथ, फिर जैसे कैसे करके हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम वहां से नीचे उतरे, और उतरते उतरते हमारी हालत हो गई बहुत खराब और सुबह 6 बजे हम नीचे पहुंचे क्योंकि पेट में हमारे भाई दिक्कत हुई थी बहुत तगड़े वाली, ठीक है। और उसके बाद हम भाई आने के बाद ना मैं तो ऑटो में ही रोने लग गई, तो जैसे ही हम ऑटो में बैठे ना जब हम चढ़ाई करके उतर गए फिर हम जैसे ही ऑटो में बैठे ना तो मैं बहुत ऐसे रोने लग गई, रोने लग गए भाई मेरे, क्योंकि बिल्कुल तब मेरे बेब को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रही थी। और मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, वहां पर मैं फैंस तो वो तो लोग हमें बहुत सारे मिले जो हमारे साथ आके जिन्होंने सेल्फी ली, और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो दूर से देख के बोले थे अरे तो वही वही है, और ऐसे ही बहुत लोग थे जिन्होंने हमारी छुप के फोटो ली बट उनको ऐसा लगा कि शायद हमको पता नहीं चला कि उन्होंने हमारी छुप के फोटो ली है, बट हमने देख लिया था, बट हम भी उनको एम्बेरस नहीं करना चाहते थे तो हमने फिर उसको इग्नोर किया। बट एक को तो मैं बोलने वाली थी, मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा बोल देती हूँ कि ऐसे ही ले लो ना फोटो कोई बात नहीं पूछ के, मतलब कि होता है यार कुछ लोगों का ऐसा भी हेजिटेशन रहती है कि भाई ऐसे सही लगेगा नहीं लगेगा। और कल हमें हरियाणा के काफी लोग मिले, हरियाणा के बहुत लोग थे, मतलब काफी सारे मैरिड, मतलब काफी सारी आंटियां भी थी, बहुत सारे बच्चे भी थे, तो पूरा हमारा जो जाने का सफर था वो ऐसा ही रहा, और आने का भी रात को भी हमें इतने लोग मिले ना, और कितने सारे न्यूली मैरिड कपल थे ना, तो बस सबका रिएक्शन कैसा था ना, अरे तो वही है, अरे तो इंस्टा पे आते हैं, मतलब ये लाइंस होती हैं सबकी, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग आपको जानते हैं। और हमें एक ना ग्रुप मिला हमें जिसमें तकरीबन 20 से 25 साल के ग्रुप के बच्चे थे, इतनी उम्र थी उनकी, ज्यादा नहीं होगी, 18-20 साल के होंगे या फिर वो, मतलब छोटे छोटे ही थे वो, 20-22 साल के भाई, वो इतने ज्यादा खुश हो गए ना, वो 5-6 बच्चे थे और वो ऐसे हमारे पैर छुए और ऐसे करे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, मैंने कहा पैर वैर मत छुओ, मतलब उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो ये सारी चीजें हुई हमारे साथ, और भाई फिर आने के बाद जो मेरा रोना निकला ऑटो में बैठते, मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे को पैरों की दर्द की प्रॉब्लम नहीं थी, पैरों में दर्द था तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जो स्टमक में पेन था ना वो बिल्कुल ऐसा अनबियरेबल हो गया था ना कि नहीं अब भी मेरे से नहीं हो पा रहा, मतलब सांस भी ना ले बंदा, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर मैं इन्होंने रास्ते से ही मेरे लिए दवाई खरीदी और फिर मैं घर आई, फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैं जैसे इस बार है ना मैंने संभाला इसको पूरी जर्नी में, सच में इसने और सान्या ने, नहीं दोनों ने यार आते हुए तो दोनों ने ही संभाला, जाते हुए तो खैर सान्या और मेरा साथ थे, हाँ हनी ने संभाला था सबको पीछे से, वही मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि हमेशा मेरे कुछ ना कुछ होता है और मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई मतलब मैं ज्यादा वो करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सही सलामत पहुंच गई, बस थोड़ा पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। मैंने आपको जाते हुए मोटिवेट किया था ना बहुत, कुछ नहीं बाबू हो जाएगा धीरे धीरे चलो कोई बात। गाइस ऐसे ऐसे करके चीजें हुई और भाई फिर घर आने के बाद जैसे कैसे करके मैं तो थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गई, फिर मैं जाके लेट गई चेंज करके, और फिर थोड़ा सा पैर धो रहे थे हमको भाई, वही सब हमने किया, और इतना तो दर्द हो रहा था ना लेटते टाइम, ऐसा हो गया कि भगवान मतलब क्या ही हो गया। यात्रा करके हमें ये पता चल गया कि हम केदारनाथ तो पैदल नहीं जा सकते, जो बात मतलब कि मैं अगर आपको बोल रहा पैरों की बात तो मैं केदारनाथ चल के जा सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम पेट वाली हुई ना, वो जो पेट की प्रॉब्लम हुई ना, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती कि वो कितना पेनफुल पेन था। मैं हमें बैठ पा यहाँ तक कि मैं ज्यादा तेज चल भी नहीं सकती थी, ऐसा लगता मेरे पेट पे जख्म हो गए हैं, मैं नहीं चल पा रही हूँ, इतनी पीड़ हो रही थी ना पेट में, बहुत ही गंदा हो रहा था। आप माउंटेन्स में ऊपर जाने लगते हो ना वैसे ही आपको ऑक्सीजन कम मिलती है और आपको ब्रीदिंग का इश्यू होने लगता है, और मेन रीजन कल हमारा रुक रुक के जाने का यही था क्योंकि डुगू को पूरे एब्डोमेन वाले जो एरिया है जहाँ पर इनको स्टिचेस लगे हुए हैं वो पेन होने लगा था वहाँ पे, तो मेरे को कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो भले ही रुक रुक के जाए, तभी तो हमको इतना टाइम लग गया, इसीलिए हमको टाइम लगा। 10 बजे चढ़ाई हमने शुरू की और हम रात को सुबह
रात को नहीं, सुबह हम पहुंचे हैं यहाँ पे अपने होटल पे 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास पहुंचे हैं हम लोग। तो यही था बस आज का सारा। और फिर तो भाई पूरे दिन में ऐसा रहा कि 2 बजे उठे हम सो के और तभी भी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर उठ के नहा वहा के मतलब थोड़ा सा नहाए तो बाद में हम लोग बस नाश्ता करने चले गए, फिर खाना वाना खाया, प्रॉपर ही खाना खा लिया था, नाश्ते में पराठे वराठे तो कुछ नहीं खाए, फिर आके लेट गए और फिर तो आपने देखा ही है कि पूरा थोड़ा सा मार्केट वगैरह एंजॉय किया और अभी बिल्कुल एकदम मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, इतना ज्यादा लेट हो चुके थे, मुझे पता है आप लोग बोलोगे, कमेंट भी करोगे कि भैरव बाबा जाके क्यों नहीं आए, तो भैरव बाबा नहीं जा पाए हम क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया ही नहीं है और रोप वे बंद हो चुका था जब तक हम पहुंचे थे और पैदल तो सिचुएशन नहीं थी, तो हमने भगवान से माफी मांगी और हाथ जोड़ लिए और हमने कहा कि वो हमें जल्दी ही बुलाएं दोबारा और हम आए दर्शन के लिए, क्योंकि माता रानी ने इतनी परीक्षाएं लेके दर्शन दिए हैं कल तो सच में और एक्सप्लेन करने वाली सिचुएशन ही नहीं है। चलो लेकिन दर्शन में छाले पड़े हुए हमारे, हाँ, और पैरों में पूरे छाले हो चुके हैं बहुत बुरे तरीके से, कोई नहीं, लेकिन माता रानी के दर्शन जगह जा रहे हैं ना, अगर कल बारिश ना हो भगवान, क्योंकि आज बारिश हुई है शाम को थोड़ी, कल बारिश ना हो, जो कल का व्यू होने वाला है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसे तो, बट अच्छा ही हो, मैं क्या ही बोलूं, अच्छा होगा, बट कल का जो व्यू है ना, कल का व्लॉग आप देखना, परसों का मतलब आपके लिए कल, हाँ मतलब कल का देखना, तो वो बहुत शानदार होने वाला है। तो बस और डुगू को हमेशा से ही मतलब मन है ऐसी एडवेंचर करने का, ऐसे जाने का, तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को जगह का पता भी होगा जो यहाँ पे आते रहते हैं, तो आप आगे वाले व्लॉग में देखना। आई होप हम आपको यू नो यहाँ की चीजें कुछ दिखा पा रहे हैं, अभी प्रॉपर शॉपिंग नहीं की तो प्रॉपर मार्केट का वो नहीं दे पाए, एक मैं व्लॉग शूट करूंगी जब हम शॉपिंग करेंगे, तो अब मैं प्रॉपर शूट करूंगी आपको, तो आप चीजें बताओगी हमें क्या क्या चीजें मिलती है, आपको पता है ड्राई फ्रूट्स के लिए, अखरोट के लिए तो जम्मू बहुत ही फेमस है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी पर्टिकुलर व्लॉग में जो अभी तक नहीं दिखाई है। बस यही सब था इसको बताने के लिए, और स्टिल मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, इसलिए हम बाहर भी जाके जो खा रहे हैं ना, बहुत कम कम क्वांटिटी में खा रहे हैं। मेरे को ये था कि कहीं डॉक्टर के पास न ले जाना पड़े, क्योंकि इसका पेट ना लिटरली ऐसे फूल गया था पूरा, मेरा बाहर निकल के आ गया था, बाहर निकल कर आ गया था एकदम पूरा फूल के, मेरे को बहुत वो हो रहा था, मैंने कहा यार मेरा पेट एकदम ऐसे मक्खन रहता है, बिल्कुल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे स्टमक में जैसे कल हुई थी। हो गया दर्शन, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यार। हाँ, मेरी चुंडू भी तो लिया मैंने, एक चुंडू तो तेरी गिर गई थी, गई मेरी चुंडू, ये देखो ये अभी मार्केट से लेके आई है, चुंडू लाई हूँ मैं अपनी, कमेंट करके बताना मेरी नई चुंडू कैसी लग रही है, ये सोती नहीं है क्या, अच्छा ये दूसरी वाली, ये वाली सोती नहीं है, वो वाली सोती रहती है बस, बाबू उसकी टांग इतनी पतली, ये तुम्हारे पे गई है इसकी टांग, मेरे पे कैसे गई है, इसका ये वाला हिस्सा मेरे पे गया है, ये टांगे आप पे गई है, ये प्यारी मेरी चुंडू। और एक चीज और सुनो, हम इतना थक गए थे ना, हमने एक सिंगल फोटो नहीं ली ऊपर, सोचो किसी ने भी नहीं ली एक सिंगल फोटो, कल माता रानी ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है। तो गाइज आई होप आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हमारे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देना, बहुत ही सारा प्यार देना है गाइज, भर भर के प्यार देना है, ठीक है, और आने वाले ब्लॉग्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ यशल्स ब्लॉग, यशल्स मकबैन, यशल्स शॉर्ट्स, यशल्स की रसोई और इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।